हाँ दोस्तों, क्या है कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि इंडिया में बहुत डाइवोर्सेस हो रहे हैं, कितनी बुरी बात है, हम क्यों एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं रह सकते। और लॉयल्टी की बात बहुत लोग करते हैं, तो हमें लगता है कि जब तक हम लॉयल नहीं हैं तो हम अच्छे इंसान नहीं हैं। ये गिल्ट जो है, ये आपको विरासत में मिला है और अनफॉर्चुनेटली गॉड ने ये गिल्ट आपके अंदर नहीं डाला। बहुत लोग इस चीज़ को अपोज करेंगे। अगर आप लॉयल पर्सन हो, वो नेचुरल लॉयल्टी आपकी सबसे पहले अपने ही प्रति होनी चाहिए। लॉयल्टी शुड बी टुवर्ड्स ट्रूथ, कि सच्चाई क्या है, वो लॉयल्टी होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि आप खुद को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सोसाइटी को भी क्वेश्चन किया जा सकता है, अपने बिलीफ सिस्टम को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप सुधार कैसे लाएंगे अपने जीवन में भी, और सोसाइटी को भी आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, जब तक आप क्वेश्चन करके नेक्स्ट स्टेप आप नहीं देखते कि जिंदगी का सच क्या है। तो इससे मेरा क्या मतलब है, कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर लोग स्टक हो जाते हैं कि शायद शायद आपका ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मैरिड है, या आप मैरिड हो और आपको लगता है मुझे लॉयल होना है ताकि मैं अच्छा मानी जाऊं सोसाइटी से। बट सोसाइटी आपको लॉयल क्यों रखना चाहती है? क्योंकि आप थोड़ा सा इसको गहराई में देखें, क्योंकि वो बांधना चाहती है लोगों को एक बंधन में, ऑब्लिगेशन में और गिल्ट में। जब भी कोई चीज़ एक ऑब्लिगेशन या गिल्ट से की जाती है, वो उसमें पूरा प्यार नहीं होता। 2 सेकंड सोचिए, अगर कोई आपको ज़बरदस्ती बोलता है कि आप, जैसे हम बचपन में बोला जाता था कि अरे हर टीचर को हमने गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम करके बोलना है, पर कोई कोई टीचर तो सोच कर भी, यार क्या बेकार टीचर है, 2 मिनट वो स्टेप आउट होते हैं तो उनकी बुराइयां हम करना शुरू हो जाते हैं। कई टीचर्स को हम नेचुरली भी एडमायर करते थे। मैं दोबारा दोबारा स्कूल के सिनारियों में इसलिए लेके जाती हूँ क्योंकि ये चीज़ सबको ही रिलेट कर सकता है। तो क्या है कि कोई भी चीज़ ऑब्लिगेशन या डर या ज़बरदस्ती से की जाए, पूरा प्यार उसमें नहीं मौजूद होता और उसमें आप भी पूरे मौजूद नहीं होते हो, तो हाफ एंड हाफ चलता है। इसीलिए अंदर कुछ और बाहर कुछ और की जो आदत है हमारी, शुरू हो जाती है यहाँ से ही। और ये ऑब्लिगेशन हो सकता है आपके इमीडिएट पेरेंट्स के साथ भी हो, मदर फादर या भाई बहन के साथ भी। तो आप जब अपने आप को ऑब्लिगेशन में ढालना शुरू कर देते हैं, तो सोसाइटी को आपको ठोकना पीटना, अपने रूल्स के हिसाब से चलाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप ऑब्लिगेशन से चलने को तैयार हैं, ताकि आप अपनी आत्मा को मार सकें और अपनी जो सोच है उसको आप तेज ना करें और आप उसको ब्राइट ना करें, और जैसे जैसे सोसाइटी ने बोला है वैसे ही चलें। तो वापस आते हैं इस टॉपिक में, बड़ा क्वेश्चन आ गया, अरे इंडिया में भी डिवोर्सेस होने लग गए हैं, लॉयल्टी का बहुत इशू है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लॉयल्टी से अगर कुछ चीज़ चला रहे हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनको ज़बरदस्ती ब्रेन वॉश करके आपने बैठा रखा है किसी को भी अपने घर पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कई तो विमेन, लाइक आई नो दैट दे सफ़र अलॉट, कि उनके हस्बैंड बिल्कुल उनको प्यार नहीं करते, ससुराल वाले कोई बिल्कुल नहीं समझते, बट क्योंकि कहा जाता है आपकी इज्जत, मतलब जो आपकी पेरेंट्स की इज्जत है वो लड़की के हाथ में, तो लड़की बिल्कुल ही एकदम क्या कहते हैं, स्लेव बन के रहती है और अपनी इज्जत बिल्कुल भी करना नहीं जानती। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, अब जब जागृत हो रही है, औरत भी जागृत हो रही है और मर्द भी जागृत हो रहा है। कई कई मेल्स के साथ भी ऐसा होता है कि जो औरत होती है वो एकदम कैप्चर करके रखती है मेल को कि तुम मेरे पति हो, तुम ही मेरी सिक्योरिटी का रीज़न हो, तुम ही, एंड देयर दे आर नॉट मेकिंग गॉड देयर सोर्स, दे आर नॉट मेकिंग यूनिवर्स देयर सोर्स, और अपने आप को आत्मनिर्भर भी नहीं किया है उन्होंने। तो ये इतना सफ़र करती हैं, तो आपको एक ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिरेशन बना लेती हैं, या तो वो मैनिपुलेशन से आपको खुश भी रखें, फिर आपको गिल्ट होता है और लॉयल्टी का गिल्ट होता है कि अच्छा अगर मैंने इनको बोल दिया कि मैं इनसे प्यार नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ तो ये बुरा मानेंगे, या अच्छा अगर कोई आपको इसीलिए रख रहा है कि
कि आप मुझे खुश रख सको, तो क्या ये प्यार है? अगर आप इसलिए रह रहे हो कि वो बुरा ना मान जाए, क्या ये प्यार है? क्या ये ऑनेस्टी है? छोड़ो, प्यार तो छोड़ो, सच्चाई भी नहीं है इसमें। फिर तो आप एक ढोंग कर रहे हो, पर आपको ढोंग अच्छा लगता है। तो अब क्या है, ड्रामा का भांडा फूट रहा है दोस्तों। तो फूट रहा है तो डिवोर्सेस पे डिवोर्सेस हो रहे हैं। कई लोगों को ये लगता है बिल्कुल पेशेंस नहीं है लोगों में, लड़ाई एक हो जाती है तो डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। ओके, बट अगर पेशेंस नहीं है तो आप क्या खुद से आप अपने आप पेशेंस अपने अंदर नहीं आप रख सकते इस बात को लेके कि अगर झगड़ा भी हो जाता है तो मैं उसको कैसे रिजॉल्व करूं? क्या अपने झगड़े अपने अंदर आप खुद नहीं रिजॉल्व कर सकते? बाहर झगड़ा करना ज़रूरी है? तो यही तो बात है दोस्तों, जो लोग इनर वर्क नहीं करते, मिरर एक्सरसाइज नहीं करते, वो सारा ब्लेम ट्विन फ्लेम पे या पति पे या पत्नी पे डालना शुरू कर देते हैं। तो ये ब्लेम 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 मतलब बाहर झगड़े तो डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, बट पहले ही आपने अपने आप को ना शांति दी ना ये सिखाया कि अपने अंदर रिजॉल्व कैसे करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, और ना सिखाया गया। और मैं अपने आप को भी नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ सोसाइटी ने ही ये एजुकेट नहीं किया किसी को कि अपने आप को प्यार कैसे किया जाता है, कैसे सिलेक्ट करें आपका पार्टनर कौन होना चाहिए, और आपको कैसे पता लगेगा कि ये सच्चा प्यार है या झूठा है। क्योंकि फेकनेस में तो लोग पहले पहले दिन जो होता है कि अरे लड़का लड़की से मिल लें, चाहे साल दो साल दस साल भी अगर मिलते रहें, क्या वो रोज़ गुब्बारा दे रहा है या नहीं दे रहा है, रोज़ गुड मॉर्निंग या रात को गुड नाइट नहीं बोल रहा है, यही आपको लगता है प्यार है। बट बहुत ही पैंडेमिक आ गया है दोस्तों प्यार का, ये प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कोई एक्शन को प्यार कहा जाता है तब तो आप तो बहुत ही भूखे हो। तो इसका मतलब कि आप ऐसे ही ब्रॉट अप हुए हो कि अगर मम्मी ने या पापा ने कुछ अच्छा बोल दिया वो ही आपको प्यार पता लग गया। तो ये जो प्यार की भूख है ना दोस्तों, बचपन से ही चल रही है, क्योंकि आपने एहसास ही नहीं किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार सबसे पहले तो आप मिरर एक्सरसाइज करके अपने अंदर प्रकट करना सीखें, ताकि आपको फ्लेवर तो पता लगे कि ये पाइनएप्पल है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, क्या है। तो जब तक आपको असली प्यार का स्वाद नहीं पता लगेगा आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब से आप अपना पर्दा फाश करेंगे ये सच्चा प्यार तो ये होता है, जब मैं अपने आप को प्यार करने लगती हूँ तो ये सच्चा प्यार है। जब कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोले वो तो बेकार लगेगा आपको, ये क्या कर रहा है, ये तो क्या ड्रामा लगा रखा है, बनकर। तो आप सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, उसको आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर सकते हैं। तो ना बात आती है मैरिज की ना डिवोर्स की, पहले तो ये पूरी जो जंजाल है सोसाइटी का मैरिज का टोटल गिल्ट सिस्टम पे बेस्ड है, कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, रबिश बिल्कुल ही, मतलब जो कहते हैं अभी मिडिल क्लास पता नहीं यार, इट हैज बिकम लाइक अ गाली ना मिडिल क्लास एनीवेज। बट ये सच भी है, क्योंकि उसमें ना उनमें थोड़ा सा अजीब किस्म का एक एरोगेंस रहता है मिडिल क्लास में कि हमें इज्जत चाहिए जी, इज्जत चाहिए। तो इज्जत जो है वो ऐसा लगता है कि बनानी पड़ेगी, इज्जत बनानी पड़ेगी, आ बिकॉज खुद के अंदर तो होती नहीं है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है दोस्तों, उसके बाद आपको मार्केट में जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं, लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, आओ जी हमारे को वोट करो, हम बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, क्योंकि अंदर से तो आपने अपनी गुडनेस को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। आपको बनाया ही गॉड ने, गुड है, तो उसको क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, उसको प्रूव करने क्यों लगे हो कि सोसाइटी मुझे मार्क्स देगी तभी मैं मान सकती हूँ कि मैं गुड हूँ, जब मैं अपने पेरेंट्स की अच्छी बच्ची बन जाऊँगी तभी मैं गुड हूँ। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। और आपको अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जिंदगी क्यों चलानी है जब गॉड ने आपको पैदा कर दिया ना, कोई हाथ पैर आपके माँ के पेट के अंदर तो रुका नहीं है, हैं बचा नहीं ना, सब पूरा का पूरा बेबी बाहर आ चुका है, राइट, बड़ा भी हो गया, अभी अब यूट्यूब भी देख रहा है। तो टेल मी समथिंग, क्यों हम इतना डिपेंडेंट हैं कि हमें जब तक गुड मार्क्स नहीं मिलते, हमें एक्सेलेंट वेरी गुड नहीं मिलता, पेरेंट्स से वैलिडेशन नहीं मिलती, हम वैलिड ही नहीं हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस जंजाल से अभी बाहर नहीं निकल सकते। आप निकल सकते हो, कैसे, जब अपने आप को प्यार करोगे, अपने आप को वैलिडेशन दोगे, अपने आप को बोलोगे आई एम ऑलरेडी गुड, मुझे कुछ गुडनेस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ना मुझे
अपने आप को अच्छा बनने की जरूरत कि मैं सोसाइटी की बेस्ट लड़की हूँ, और आपको बुरा भी बनने की जरूरत नहीं है। अरे आई कैन बी लाइक दिस रिबेल, और रिबेल बनूंगी तो मेरे को फ्रीडम मिल जाएगी। नहीं, आप नॉर्मल रहो बाबा, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। कई लोग ऐसा करते हैं कि दे बिकम रिलीजियस ओवर रिलीजियस ताकि सोसाइटी है उनको एक्सेप्ट करे, बट मैं ये कहती हूँ बिकम रिलीजियस बिकॉज यू वॉन्ट टू, दैट्स इट। ना रिबेलियन से, ना प्रूविंग से, जस्ट बिकॉज यू लाइक इट, ठीक है ना। तो ये तो आपको ऑनेस्टी से खुद देखना पड़ेगा, और खुद जा करके बचपन से अपने आप को ऑनेस्टी देनी पड़ेगी कि ऑनेस्टी से चलते कैसे, सच्चाई से कैसे चलते हैं। मम्मी क्या मुझे प्यारी लगती है, चाहे मुझे कितना भी प्यार करें, क्या मैं प्यार करती हूँ? अपने आप को टोटल फ्रीडम दें ये बोलने के लिए मुझे मम्मी नहीं अच्छी लगती, कब ये रियलाइज करेंगे? तो जब अपने आप को फ्रीडम देना शुरू करेंगे तभी आपके सामने पर्दा फाश होगा और बोल पाएंगे, अरे नहीं करनी मुझे ये शादी, फ्रॉम ऑब्लिगेशन, फ्रॉम दिस सोसाइटी प्रेशर। तो जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, जिनके ट्विन फ्लेम मैरिड हैं, ये खुद इनर वर्क करो। अपने आप को जब तक ये फ्रीडम नहीं दोगे ना कि ये इनवैलिड है, आपका ट्विन फ्लेम उसको इनवैलिडेट नहीं करेगा। जब तक आप खुद नहीं बोलते हो कि ये सोसाइटी का जो मैरिज का जंजाल है, ये मैं बोझ उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉयल और गुड प्रूव करना है अपने आप को सोसाइटी में। जब तक ये भार अपना हल्का नहीं करोगे तब तक आपका ट्विन फ्लेम के भी बत्ती नहीं जगेगी और घंटा नहीं टंटकेगा। ओके, सो इस पे हम और भी विचार करेंगे। मुझे अच्छा लगता है इस पे थोड़ा सा डीप जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही लेयर्स ऑफ थिंग्स हैं। हो सकता है मैं वर्कशॉप भी करूँ इस चीज़ पे ताकि आप दूध का दूध पानी का पानी समझ पाए। और ये हो डिवोर्स हो गया, हो ये शादी होगी, पहली बात तो यही दोनों ही चीज़ें गलत हैं। उसको बंदे को रियलाइज हुआ जिसने डिवोर्स किया कि साला ये तो घन चक्कर में पड़ गया, मैं हमें तो बताया नहीं गया। हमें हिंदी मूवीज में दिखाते हैं भाई, हाँ भाई संसार सुंदर संसार, शादी होगी, वाह वाह बढ़िया बढ़िया, अच्छा ड्रामा खेला आपने भाई। पर उसके बाद आपको यह नहीं सिखाया जाता है कि आप खुद से कैसे प्यार करें, खुद की कैसे खोज करें, आत्मा के करीब कैसे आए। तभी तो गृहस्थ और संन्यास अलग अलग हो गए, बट ट्विन फ्लेम यूनियन का ये जो पाथ है ये एक मिलन का पाथ है, यूनियन का पाथ है। आप अपने यूनियन में रहते हुए भी भक्ति और गॉड को टोटली लव और सरेंडर में रह सकते हो, और आप गॉड को पा भी सकते हो। कितना अमेजिंग नहीं है? ओके दोस्तों, सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लीव इन कॉमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं और इस टॉपिक पे बनाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है बहुत कुछ है इस पर शेयर करना। ओके, टेक केयर, सी यू देन, बाय।